हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रवर्धक और पुनर्निवेश पढ़ रहे थे हम। तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है कि जो ऋणात्मक पुनर्निवेश है उससे बैंड जोड़ाई में कैसे वृद्धि होती। ऋणात्मक पुनर्निवेश के द्वारा बैंड चौड़ाई में वृद्धि, बैंड चौड़ाई में मैं वृद्धि बोल दूं या फिर मैं कह सकता हूं कि जो ऋणात्मक पुनर्निवेश है उससे प्रवर्धन में कमी आती है, प्रवर्धन में ह्रास होता है। तो देखिए, कोई पुनर्निवेश तकनीक है उसके द्वारा हम निर्गत संकेत को निवेश संकेत में स्थानांतरित कर रहे हैं। तो जो हमारा निवेश संकेत है VI होगा, निवेश संकेत VI है और जो पुनर्निवेशी संकेत है वो VF है, यानी कि इन दोनों की कला विपरीत होगी। हमें ऋणात्मक पुनर्निवेशी डेफिनेशन में देखी थी कि इनकी यदि कला विपरीत होगी तो जो प्रवर्धन है उसके मान में कमी होती है। और इसे हम क्या कहते थे, ऋणात्मक पुनर्निवेश कहते थे। तो देखो, इसके लिए हमारे पास रिलेशन आता था VIF इक्वल टू VI माइनस VF। और देखिए, ये ऋणात्मक पुनर्निवेश में ये रिलेशन आता था हमारे पास। अब मैं ये देख रहा हूं कि जो RC युग्मित 2 लीटर है उससे प्रवर्धन में हमारे पास 2 BG व्यंजक प्राप्त होते हैं, यानी कि RC युग्मित 2 लीटर से अगर प्रवर्धन करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 BG व्यंजक AL और AH प्राप्त होते हैं, यानी कि 2 आवर्तियां निम्न आवर्ती और उच्च आवर्ती के लिए मेरे पास व्यंजक प्राप्त होते थे। क्या क्या प्राप्त होते थे कि AL इक्वल टू, तो मेरे को प्राप्त होता था AM अपॉन में 1 माइनस IFL अपॉन में F, इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। ऐसे ही जो AS प्राप्त होता था वो होता था AM अपॉन में 1 प्लस IF अपॉन में FH, इक्वेशन 2। देखिए, यहां मैं आपको बता दूं कि AM क्या है, AL क्या है और AL होता है निम्न आवर्ती के लिए प्रवर्धन, निम्न आवर्ती के लिए प्रवर्धन। ऐसे ही जो AH होता है वो होता है उच्चावर्ती के लिए, उच्चावर्ती के लिए प्रवर्धन। ऐसे ही जो AM होता है वो होता है मध्यम आवर्ती के लिए प्रवर्धन। ऐसे ही जो F होता है ये अर्धशक्ति आवर्ती होती है, एक मेरे पास होता है FL
ये निम्न शक्ति आवृत्ति होती है और एक टर्म होती है एफ एच, ये होती है उच्च, सॉरी निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति आवृत्ति और उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति, ये ऐसे तीन आवृत्ति है मेरे पास। एफ अर्ध शक्ति आवृत्ति है और इसकी जो निम्न और उच्च ये दो आवृत्ति होंगी। तो देखिए जो समीकरण एक और दो है इनको हम पुनर्निवेश सिद्धांत की जो इक्वेशन है उसमें यूज करें। तो देखिए क्या होगा कि जो समीकरण एक और दो है ये बिना पुनर्निवेश के प्रवर्धन को व्यक्त कर दिए। अब यदि हम पुनर्निवेश के सिद्धांत से जानते हैं कि जो ए एफ लास्ट टाइम हमने जो लास्ट लेक्चर में एक रिलेशन निकाला था ये होता है ए माइनस वन माइनस ए बीटा, ए अपॉन में वन माइनस ए बीटा, ये इक्वेशन इसको थर्ड दे लेते हैं। अब देखिए निम्न आवृत्ति के लिए प्रवर्धन कर रहे हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि निम्न आवृत्ति के लिए प्रवर्धन पुनर्निवेश के साथ, तो इस कंडीशन में क्या होगा निम्न आवृत्ति तो इसको मैं ए एफ कर देता हूं और ए है ए एल हो जाएगा निम्न आवृत्ति के लिए, ऐसे ही ए हो जाएगा ए एल और ये मेरा बीटा, इसको इक्वेशन फोर दे देता हूं। अब देखिए ये जो समीकरण फोर है यदि मैं इसको इक्वेशन वन में रखूं समीकरण चार में यदि समीकरण एक से मान रखे तो क्या होगा ए एल एफ इक्वल टू यदि इक्वेशन वन से मान रखूंगा ए एल इक्वल टू होता है एम अपॉन में वन माइनस आई एफ एल अपॉन में एफ, इसमें यदि मान रखूंगा तो मेरे पास आएगा ए एम अपॉन में वन माइनस आई एफ एल अपॉन में एफ, तो ये वन माइनस ए एम अपॉन में वन माइनस आई एफ एल अपॉन में एफ और बीटा। अब देखिए नेक्स्ट इसको मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करूं ए एल एफ तो ये होगा ए एम वन माइनस आई एफ एल अपॉन में एफ इंटू वन माइनस आई एफ एल अपॉन में एफ वन माइनस आई एफ एल अपॉन में एफ वन माइनस ए एम बीटा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन यहाँ से आ जाता है। इसको नेक्स्ट आगे और करते हैं सोल्व, तो ये ए एल एफ इक्वल टू ए एम अपॉन में वन माइनस आई एफ एल अपॉन में एफ ब्रैकेट क्लोज माइनस ए एम बीटा। देखिए ये एल एफ के लिए मेरे पास नया रिलेशन आ गया है। अब देखिए जो ए एम बीटा है इसको आगे और हम जब सोल्व करें तो देखिए क्या होगा, अगर मैं यहां से वन माइनस आई एफ एल अपॉन में एफ कॉमन लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से ए एल एफ
इक्वल टू ए एम अपॉन में वन माइनस इसके अंदर वन माइनस ए एम बीटा माइनस आयटा एफ एल अपॉन में एफ। अब देखिए नेक्स्ट ये जो एल एन है इसको मैं लिख सकता हूं ए एम अपॉन वन माइनस ए एम बीटा और इसको मैं लिख सकता हूं वन माइनस आयोटा सॉरी आई एफ एल वन माइनस ए एम बीटा और ब्रैकेट के बाहर मेरा एफ है। इस इक्वेशन फाइव दे लेते। अब देखिए हम ए एम एफ की वैल्यू जानते हैं कि ये जो मैंने रेशो ये बाहर निकाला है कि जो ए एफ की वैल्यू है उसको मैं आप पुट कर पाऊंगा ए एम एफ इक्वल टू होता है ए एम अपॉन में वन माइनस ए एम बीटा। ये जो इक्वेशन सिक्स हो जाएगी कि जो पुनर्निवेशी सिद्धांत से ए एम एफ कितना होता है पुनर्निवेश सिद्धांत से इक्वेशन सिक्स है। नेक्स्ट देखिए तो एफ एल एफ इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी एफ एल वन माइनस ए एम बीटा हो जाएगी। इक्वेशन सेवन दे लेते हैं इसे। अब इक्वेशन फाइव में ये वैल्यू पुट कर दें समीकरण पांच में मान रखने पर यहां से क्या आएगा एल एफ है ये हो जाएगा ए एम एफ वन माइनस आई एफ एल एफ जो एफ एल है एफ एल एफ कर दिया इसको अपॉन में एफ इक्वेशन इसको एट दे देते। अब देखिए निम्न आवृत्ति के लिए देखा अब हाई आवृत्ति के लिए देख लेते हैं कि उच्च आवृत्ति के लिए जो पुनर्निवेश प्रवर्धन कैसे होगा। तो उच्च आवृत्ति के लिए प्रवर्धन पुनर्निवेश के साथ और इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा जो पुनर्निवेश तकनीक सिद्धांत है जो ए की वैल्यू आ रही थी उसको ए एल एच कर देता तो ए एच वन माइनस ए बीटा। इक्वेशन टू से मान रखने पर इक्वेशन टू से वैल्यू रखूंगा मैं तो ये मेरे पास क्या आएगा ए एम अपॉन में वन प्लस आई एफ अपॉन में एफ एच एफ एच आ जाएगा ऐसे ही नीचे आ जाएगा वन माइनस ए एम अपॉन में वन प्लस आई एफ अपॉन में एफ एच ब्रैकेट क्लोज ऊपर चल रहा है मेरा बीटा। अब नेक्स्ट इसको मैं बोल रहा हूँ ए एच एफ इक्वल टू तो ए एच एफ को और सिंपल करेंगे तो ए एम अपॉन में वन प्लस आई एफ अपॉन में एफ एच इंटू वन प्लस आई एफ अपॉन में एफ एच तो ये हो जाएगा वन प्लस आई एफ अपॉन में एफ एच माइनस ए एम बीटा। नेक्स्ट इसको हम और सिंपल करते हैं तो ये एच ए एच एफ इक्वल टू होगा ए एम वन माइनस ए एम बीटा
प्लस आई एफ अपॉन में एफ एच। नेक्स्ट देखिए ए एच एफ इक्वल टू हो जाएगा ए एम वन माइनस ए एम बीटा वन, वन माइनस ए एम बीटा यदि मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा वन प्लस आई एफ और ये इसके अपॉन में आ जाएगा यानी वन माइनस ए एम बीटा और इन टू में चल रहा है मेरा एफ एच। इसको इक्वेशन नाइन दे देते हैं। अब देखिए मेरे पास ए एल एफ और ए एच एफ के मान आ चुके हैं, तो इक्वेशन जो सिक्स है उसमें मैं यूज कर सकता हूँ क्या इन मानों को। इक्वेशन सिक्स से जो क्या थी कि ए एम एफ इक्वल टू होता है ए एम वन माइनस ए एम बीटा। तो देखिए जो एफ एफ एच एफ की वैल्यू क्या होगी वो होगी वन माइनस ए एम बीटा इंटू एफ एच। इसे इक्वेशन टेन कर लेते। और जो इक्वेशन नाइन है उसमें हम समीकरण छह व दस से मान रख लेते हैं। अब अगर एच एफ इक्वल टू क्या होगा ए एम एफ और वन प्लस आई एफ अपन में एफ एच एफ होगा। ऐसे मेरे पास इक्वेशन आ जाती है इलेवन। जब इक्वेशन नाइन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन मेरे पास इलेवन आ जाएगी। अब देखिए ये इक्वेशन नाइन है। अब इसके लिए जो पुनर्निवेश और निवेश है इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए एक साइड में प्रवर्धन ए को ले लेते हैं, एक साइड में आवर्ती ले लेते हैं। तो देखिए कैसा ग्राफ आता है इसमें कि यहां मैं ले रहा हूं एफ एल एफ, यहां निम्न आवर्ती एफ एल, यहां उच्च आवर्ती एफ एच और यहां एफ एच। देखिए एक ऐसा ग्राफ मिलता है यहां, ये है बिना पुनर्निवेश के, यहां होता है ए एम और ये एफ एल एफ है। और यहां होता है मेरा ए एम एफ या होता है एफ एच एफ ये है बिना पुनर्निवेश के और ये है पुनर्निवेश के साथ। ये फ्रीक्वेंसी है एफ एल एफ, ये एफ एल है, ये एफ एच है और ये एफ एच एफ है। इधर फ्रीक्वेंसी एफ है और इधर प्रवर्धन ए है। तो ये ग्राफ देख सकते हैं आप कि पुनर्निवेश के लिए और पुनर्निवेश के साथ। अब देखिए ऋणात्मक पुनर्निवेश है उसके लिए हम बैंड चौड़ाई की गणना करेंगे। तो इसके लिए कुछ केसेस लेते हैं।
कि जो ऋणात्मक पुनर्निवेश है, कि ऋणात्मक पुनर्निवेश की परिभाषा से हम जानते हैं कि वन माइनस ए एम बीटा ये ग्रेटर देन होता है वन से। तो देखिए नेक्स्ट कि वन माइनस ए एम बीटा ग्रेटर देन होता है वन से, तो इक्वेशन सिक्स से हम क्या कह सकते हैं कि ए एम एफ इज लेस देन ए एम। अब इस कंडीशन में इसको मैं एक कंडीशन बोल देता हूं, और अगर ऐसा है तो इक्वेशन जो सेवन है, सेवन से एफ एल एफ लेस होगा एफ एल से। इक्वेशन बी दे लेते हैं, ऐसे इक्वेशन टेन से क्या होगा कि एफ एच एफ ग्रेटर देन होगा एफ एच से, ये इक्वेशन सी हो जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जब भी ऋणात्मक प्रवर्धन करते हैं तो यहां मान में कमी आ रही है, प्रवर्धन का मान, ये फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। तो समीकरण एक ही बता रही है कि ऋणात्मक प्रवर्धन में हमेशा कमी होती है, ऋणात्मक प्रवर्धन में कमी होती है। अब देखिए बैंड चौड़ाई है, उसकी गणना कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी है लो फ्रीक्वेंसी है, तो जो बैंड चौड़ाई क्या होती है, जो बैंड चौड़ाई होती है कि अंतिम आवृत्ति माइनस प्रारंभिक आवृत्ति, उन दोनों का अंतर होती है, यानी कि W इक्वल टू एफ एच माइनस एफ एल, जो लास्ट टाइम हमने डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग ये होगा। जब बिना पुनर्निवेश के लिए हमारे पास अंतिम आवृत्ति एफ एच और प्रारंभिक आवृत्ति एफ एल है। इक्वेशन 12 दे लेते हैं, और ये है बिना पुनर्निवेश के, ये तो है पुनर्निवेश के, और अगर पुनर्निवेश करें तो जो बैंड जोड़ाई होगी वो होगी एफ एच एफ माइनस एफ एल एफ। इसे इक्वेशन 13 दे लेते हैं, ये होगी पुनर्निवेश के साथ, और देखिए जो इक्वेशन 12 और 13 है, इक्वेशन 12 और 13 है, ये क्या शो कर रही हैं कि जो डब्ल्यू एफ है वो ग्रेटर देन है डब्ल्यू से। यानी कि जो ऋणात्मक पुनर्निवेश है तो उसमें बैंड चौड़ाई में वृद्धि होती है। अगर ऐसा है कि डब्ल्यू एफ ग्रेटर देन है डब्ल्यू से, तो मैं ये कह सकता हूं, अगर इसे मैं इक्वेशन दे दूं डी, कि ऋणात्मक पुनर्निवेश, ऋणात्मक पुनर्निवेश से
बैंड चौड़ाई में वृद्धि होती है, तो आज यहीं तक देखते हैं। आपने मेरे को पेशेंस सुना, इसके लिए धन्यवाद।